परसों हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। आज कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। यदि महर्षि दयानंद का, सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुल्लास जो इस्लामिकों के विषय में स्वामी दयानंद जी ने लिखा, उसको हम प्रत्येक हिंदू तक पहुंचाते, तो आज कमलेश तिवारी की हत्या करने की किसी की औकात नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं थी कि जाकर के कमलेश तिवारी को हाथ भी लगा सकता। और कितने कमलेश तिवारी मरेंगे, मैं भी हो सकता हूं, कल को आप में से भी कोई हो सकता है, हमारा कोई भजनोपदेशक हो सकता है, हमारा कोई आर्य क्रांतिकारी हो सकता है, हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। तो उनके प्रति मेरे हृदय में संवेदना है। कमलेश तिवारी अलग नहीं था, हमारा भाई था, परंतु हम ठाकुर हैं, हम गुज्जर हैं, हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिए हैं, अरे हम कुछ नहीं है, हम उनके अगले शिकार हैं, हम कुछ नहीं है, हम उनके अगले शिकार हैं, हम इसी में फंसे रह गए, हम जाट हैं, हम बनिए हैं, हम गुज्जर हैं, हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, मूछों में मरोड़ देते रह गए और वह हमें कत्लेआम करते रह गए, हमारे घुस में घर में घुस करके हमें मारते चले आ रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा यदि हमने स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को आज वर्तमान में युवाओं के जहन तक, युवाओं के हृदय में, युवाओं के मस्तिष्क में स्वामी दयानंद की प्रतिमा को, स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को, स्वामी श्रद्धानंद की गुरुकुल पद्धति को नहीं उतारा तो हमारा पतन निश्चित है, ये समझ लीजिए। तो एक संकल्प लेकर के जाए कि हम गौतम कणाद जैमिनी पाणिनी पतंजलि चरक शुश्रुत धन्वंतरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे, हम जातिवाद को जड़ से खत्म करेंगे, हमारे हृदय में जब हम इस गेट से बाहर निकलेंगे तो जातिवाद का लेश मात्र नहीं रहेगा, हम सब ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर निकलेंगे, हम ऋषियों की विरासत को लेकर के जाएंगे। आओ एक बार संकल्प करते हैं, एक बार संकल्प।